हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम जिस वीडियो पे देखने जा रहे हैं वो अगेन राजा साकी मुस्तफाई की वीडियो है, और इसमें इन्होंने बोला है सदका देने से रिस्क तंग होने लग जाए तो क्या कीजिए। पहली बात तो हमें सदका देना क्या होता है वो नहीं पता है, क्योंकि ये जो टर्म है ना वो एक शायद इस्लामिक टर्म है, हाँ। है ना, और हम लोग मतलब कि और एक उर्दू का वर्ड ही है ये, ठीक है, और हम लोगों को नहीं इतनी अच्छी से बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि इंडिया में मोस्टली जो लोग है या तो वो इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, और अपने हर एक स्टेट के हर एक जगह की अपनी लैंग्वेज होती है, पर ये है कि हम उर्दू नहीं जानते तो बिल्कुल भी नहीं, उर्दू तो नहीं। बाकी वीडियो देखने के बाद ही पता लगेगा सदका देना क्या होता है और इसको कब दिया जाता है। और हम लोगों ने राजा साकी मुस्तफ़ी की एक वीडियो देखी है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जिस हिसाब से वो एक्सप्लेन करता है ना चीजों को, आराम से समझा समझा के, वो चीज मुझे अच्छी लगती है। और ना टू द पॉइंट रहता है तो अच्छा लगता है, मैसेज डिलीवर अच्छे से हो जाता है तो अच्छा लगता है। तो स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो। रिस्क में बरकत का एक बहुत बड़ा जरिया शुक्र है। इरशाद फरमाया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे वो तुम्हें और ज्यादा अता करे। क्या बात है, मतलब तुम ग्रेटफुल अगर तुम शुक्र नहीं करोगे। वाला इन कफरतुम, कुफराने नेमत करोगे, इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो फिर मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। रिस्क के इजाफे का एक और बहुत बड़ा सबब इन्फाक फी सबीलिल्लाह। अल्लाह फरमाता है जो तुम खर्च करते हो तो जो चीज तुमने निकाल दी उसकी जगह अल्लाह तुम्हें और अता कर देता है। बाज़कात हमारा ये होता है कि कोई आदमी माली बोहरान में आ गया तो वो करता क्या है कि जो राह खुदा में देने का खाता था पहले उसे क्लोज करता है। ये फला मदरसे को देते हो ये भी बंद कर दो, ये मस्जिद को देते हो ये भी बंद कर दो, ये फला गरीब को देते हो ये भी बंद करो, हालात टाइट हो गए। लेकिन पांच गाड़ियां हैं तो दो गाड़ियों पर गुजारा कर लिया जाए, पेट्रोल बचे, ये नहीं हो सकता। घर के लक्षण वही हैं, लेकिन बंद कहां से किया, जहां से रिज्क आना था। हमें तो ये हुक्म दिया है जब रिज्क तंग होने लगे सदका दे के रब से कारोबार कर लो, सदके से तुम्हारे रिज्क में इजाफा होगा। ये रब का वादा है, अल्लाह के वादे झूठे नहीं हो सकते। रिज्क की बरकत का एक और बहुत बड़ा जरिया अन-निकाह है। फरमाया अगर तुम निकाह करोगे तुम फकीर हो, वो तुम्हें गनी कर देगा। लोग कहते हैं बच्चा पैरों पे खड़ा हो ले तो फिर निकाह करेंगे, अल्लाह कहता है तुम निकाह करो हम पैरों पे खड़ा कर देंगे। हमारा फलसफा अपना है, उसका हुक्म अपना है। वो कहता है अभी तो ये अपने लिए नहीं कमाता तो जो आएगी उसको कहां से लाएगा। मियां जिसने आना है उसने अपना रिजक लेके आना है। तो बच्चों की शादियां करो, अगर वो जवान हो गए रिज्क नसीब होगा। अपने अहले खाना को नमाज के हुक्म देने से रिज्क बढ़ता है, क्योंकि जो सुबह का वक्त होता है ये रिज़्क के बटने का वक्त होता है, और जिस घर में सुबह के वक्त लोग सोए हुए होते हैं वहां बेबरकतियां होती हैं। तो तुलुए फजर से लेकर के तुलुए आफ्ताब तक अपनी औलाद को, बीवी को, बच्चों को न सोने दें, उस वक्त रिज़्क बटने के लम्हे होते हैं। कसीर दुआएं मांगें, तलावत कलाम मजीद पढ़ें, और नमाज फजर मर्द हजरात मस्जिदों में जाके बाजमात अदा करें, और घरों में जो है वो बेटियां बहनें मुसल्ले बिछा लें तो अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा। अब एक हदीस में रिज़्क के इजाफे का एक और नुस्खा इरशाद किया गया। मेरे हुजूर ने फरमाया जो शख्स ये चाहता है कि उसके रिज़्क में बरकतें हो और उसकी उम्र में इजाफा हो तो वो अपने रिश्तेदारों के साथ सलूक अच्छा करे। रिश्तेदारों के साथ अगर अच्छा सलूक करोगे तो फिर तुम्हारे रिस्क में बरकत। मतलब ये बोल रहा है कि अगर आप फाइनेंशियली बढ़ना चाहते हो तो क्या करना चाहिए। उनकी शादियां अपने जुम्मे ले लो अगर अल्लाह ने आपको वसत दी है, उनकी परेशानियां बांट लो, उनका कर्जा है तो उतारने की कोशिश करो, उनको मुश्किलात से निकालने की कोशिश करो। तुम उनको मुश्किलात से निकालोगे अल्लाह तुम्हें मुश्किलों से, तुम्हारे रिस्क में भी बरकतें होगी और तुम्हारे माल में भी बरकतें होंगी। फरमाया बेहतर सदका वो है जो नाराज गरीब रिश्तेदार को दिया जाए। अगर वो फंस गया है, मजबूर है, नाराज है, तो उसको अगर देंगे तुम्हारा नफ्स उसमें शामिल नहीं होगा, तो ये अफजल सदका है जो हर सूरत में कबूल ही कबूल है। रिस्क के इजाफे का एक और सबब अल एहसान इला दुआफा, जो कमजोर लोग हैं उनके साथ उसने सलूक करना। अल इन्फाक अला तलबतिल इल्म, तालिब इल्मों पे खर्च करना, यह भी रिस्क में इजाफे का सबब और जरिया है। वो हजरत बाबा फरीद ने कहा ना छठा रुकन दीन का रोटी है, घर में कुछ ना हो तो फिर ना नमाज और
ना ही दीगर उमूर की लज्जत आती है, तो ये रिज़्क फरावां और वसी और मुबारक नसीब कर दे अल्लाह। तो उसके लिए एक और वजीफा मैं देता हूँ, और वो ये कि मगरब के बाद 21 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ लें, कसरत हो जाएगी इंशाल्लाह। अव्वल अखदूशी पढ़ लें, 5-7 मिनट लगते होंगे, तो सूरह कौसर 21 मरतबा रोजाना मगरब की नमाज के बाद पढ़ें। और अगर बहुत ज्यादा मसाइल हैं तो हर नमाज के बाद पढ़ लें, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि घर में बरकतें उतरती महसूस होंगी, अनवार का नजूल होते महसूस करेंगे। तो ये वो रिज़्क के असबाब हैं, अगर हम इख्तियार कर लें तो हम अल्लाह की खास रहमतों के हकदार होंगे। अल्लाह हम सबको रिज़्क हलाल, रिज़्क वसी, रिज़्क सहल, रिज़्क मुबारक, रिज़्क फरावां नसीब फरमाए। बहुत ही कमाल की वीडियो थी, और इससे हमें ये भी पता लगा सदका क्या होता है। और मुझे भी यही लगता है कि आपको जितना हो सके उतना डोनेट करना चाहिए, वही कि तुम बाकियों की हेल्प करोगे ना तो रब तुम्हारी खुद हेल्प करेगा। वो कहते हैं ना कि अगर तुम्हारे पास बहुत है और तुम बाकियों को दे नहीं रहे हो तो तुम किसके लिए बचा रहे हो? एंड में मरते टाइम हमारे साथ पैसे ने नहीं जाना, प्रॉपर्टी ने नहीं जाना। और जैसे उन्होंने कहा ना कि अगर तुम्हारा रिश्तेदार है तो उसकी मदद करो। कई बार कर्ज लोग ऐसे होते हैं कि बहुत पैसा होता है पर वो दुनिया को दिखाने के लिए बहुत डोनेशन करते लेते हैं, पर अपनों को कोई मदद नहीं करते। उनको देख के ऐसा लगता है कि यार इसमें इंसानियत है भी, कि दिखाने के लिए बस चल रहा है कि हाँ भाई भगवान ने हमें दिया तो हम दिखा रहे हैं कि हम आगे भी बांट रहे हैं। और मुझे यही लगता है कि जो इंसान दूसरों की मदद करता है भगवान भी उसकी मदद करता ही है। जैसे इन्होंने कहा था कि अगर आप ना फाइनेंशियली आप थोड़े वीक हो रहे हो, अगर आप डोनेशन वगैरह दे रहे हो ना, आप यकीन रखो भगवान आपको और पैसा देगा और आपकी मदद करेगा। यही लगता है कि अगर जितना हो सके आपको उतना डोनेशन देना चाहिए, तभी आपकी भगवान भी मदद करता है। और हम लोग देखते भी है कि जैसे बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हो गए है ना, एक्टर एक्ट्रेस वो डोनेट करते हैं, तो सोनू निगम कितने ज्यादा फेमस है इसी चीजों के लिए। और वही ना मेरे को बड़ा अच्छा लगा जब उन्होंने कहा कि जब हमारे पास पैसे की तंगी आती है ना, हम हमारे लाइफस्टाइल में नहीं एडजस्टमेंट करते, उसमें करते हैं जो हम आगे किसी को हेल्प कर रहे हैं कि हाँ भाई हमारा अभी हमारे हाथ टाइट चल रहा है तो हम अभी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते। ये नहीं कि हाँ अगर हम 10 चीजें लेकर आ रहे हैं सही बात, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, फील हुआ कि हाँ यार ये कनेक्शन ना एक रियलिस्टिक बात है कि बहुत करते हैं। और हम लोग अगर देखो ये भी ना, अगर आपकी मान के चलो जितनी भी इनकम ठीक है, अगर आपका उसमें बच रहा है, आप सेविंग कर रहे हो, अगर आप सेविंग कर रहे हो आपकी इतनी औकात है ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो कि उसमें से ज्यादा नहीं यार आप 5% भी डोनेट करोगे ना, जितना आप सेव करो उसमें से महीने का सिर्फ 5% डोनेट करोगे, आपको नहीं पता सामने वाले की कितनी मदद हो रही है। क्योंकि आपके लिए तो सिर्फ वो शायद 1,000, 2,000, 3,000 ही होगी, लेकिन क्या पता सामने वाले के लिए वो बहुत मायने रखते हो। बहुत ही कमाल की वीडियो थी ये भी। तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन, आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय।